ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ पीसीडी नंबर 3695। मॉर्निंग क्लास डेटेड 25/11/1968। क्लैरिफिकेशन डेट 7/8/2021। प्रातः क्लास चल रहा था 25/11/1968। The morning class dated 25/11/1968 was going on. सोमवार को दूसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी। On Monday, we were discussing the topic in the middle of the second page. कि बाप आते हैं तो पैराडाइज स्थापन करते हैं। The father comes and establishes paradise. 5000 वर्ष पहले स्थापन हुआ था। It was established 5000 years ago. इसी पैराडाइज का ज्ञान देते हैं। He gives the knowledge of this very paradise. बताते हैं कि ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। He tells us how this world cycle rotates. तो ये ज्ञान तुम बच्चों के लिए है पैराडाइज का। This knowledge of paradise is for you children. बाकी तो कुछ नहीं है, सूक्ष्म बतन में तो कोई ठहर भी नहीं सकते हैं। As for the rest, there is no such thing above. No one can stay in the subtle world either. समझो, ये साक्षात्कार की रस्म है जो तुम यहाँ भोग लगाते हो, फलाना करते हो, तीरा करते हो। Consider having visions to be a ritual. You offer bhog, you do this and that. अगर ब्रह्मा भी है जो तुमको साक्षात्कार होता है, वो भी एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है, जैसे विष्णु का साक्षात्कार होता है, तैसे ये भी एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है। If you have the vision of Brahma, that is the vision of your aim and object. Just like you have the vision of Vishnu, similarly, this is also the vision of your aim and object. एक ही साक्षात्कार है कि हमको ऐसे ब्रह्मा जैसे। You have only one vision. You have to become just like this Brahma. कौन सा ब्रह्मा? Which Brahma? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म पंचानन ब्रह्मा जैसे कर्मातीत अवस्था को पहुंचना है। We have to attain the कर्मातीत स्टेज like पंचानन ब्रह्म। समझे ना? You did understand, didn't you? इसलिए ये एक साक्षात्कार की रीति होती है। कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाना है। This is why it is the custom of having visions that we have to attain the कर्मातीत stage. तो ये सभी बैठ करके बाप समझाते हैं। So the father sits and explains all this. और ये भी बच्चे ही समझते हैं। And the children themselves understand it. और तो कोई सृष्टि में बाप बगैर ये अपना परिचय दे भी नहीं सकता। No one else in the world except the father can give his introduction. क्योंकि बाप का परिचय और कोई में है ही नहीं। It is because no one has the identification of the father at all. बिल्कुल नहीं है, जरा भी नहीं है एकदम। Not at all, not even a little. और यहाँ वाले जो बच्चे हैं, वो भी बाप को परिचय में घड़ी घड़ी भूल जाते। And the children who live here, they too forget the identification of the father every now and then. क्योंकि वो होने के कारण बहुत ही सूक्ष्म और छोटा होने के कारण बुद्धि में ही नहीं आता है। It is because
ड्यू टू बीइंग वेरी सटल एंड माइन्यूट ही डजंट कम टू द इंटेलेक्ट एट ऑल। मुझे जाते हैं, हम किसको याद करें? दे बिकम कंफ्यूज्ड थिंकिंग हु शुड बी रिमेम्बर। भला ऐसी चीज छोटी बिंदी, उसको तो हम आत्मा को भी नहीं याद करते हैं। वेल इट इज सच अ स्मॉल थिंग अ पॉइंट वी डोंट रिमेम्बर द सोल ईदर। सभी आत्मा को कोई याद करते हैं? कोई? डज एनीवन रिमेम्बर द सोल? अपने शरीर को याद करते हैं। दे रिमेम्बर देयर बॉडी। नक को, चप को, द नोज, द स्किन। जी नाक कान सभी बड़ी चीजें हैं ना। दिस नोज इयर्स आर ऑल बिग aren't they? तो उनको ये शरीर का याद आता है। सो दे रिमेम्बर दिस बॉडी। बाकी कोई ऐसे थोड़े ही याद करते हैं आत्मा को। एज फॉर द रेस्ट नो वन रिमेम्बर्स द सोल। वो भी सिर्फ गायन है कि भ्रकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा। दे जस्ट से द यूनिक स्टार शाइन्स इन द भ्रकुटी। और सितारे तो सभी हैं। ऑल ऑफ देम आर सर्टेनली स्टार्स। परंतु शालिग्राम जिसको कहा जाता है। बट दैट विच इज कॉल्ड शालिग्राम। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। द सोल इज कॉल्ड शालिग्राम। उन शालिग्रामों की तो फिर पूजा होती है। दो शालिग्राम्स आर वर्शिप्ड। वो भी बड़ा करके समस्ते अंगूठे मिसल है। दे मेक इट बिग, दे थिंक दैट इट इज लाइक अ थंब। तो बड़ा करके दिखाएंगे, बताते हैं, नहीं तो मुझे जाएंगे ना। सो दे शो इट बिग एंड ऑल्सो टेल अदर्स दैट, अदरवाइज पीपल विल बिकम कंफ्यूज, वोंट दे? तो समझेंगे कि अंगूठे मिसल हैं शालिग्राम। दे दैट इज द पीपल विल सर्टनली थिंक दैट द शालिग्राम इज लाइक अ थंब। तो उनकी पूजा होती है। दे आर वर्शिप्ड। क्योंकि वो बड़ा दिखलाया है। इट इज बिकॉज दे आर शोन बिग। कि भाई पूजा कैसे होती है? हाउ आर दे वर्शिप्ड? बड़ा काम किया है तो पूजा होती है। दे हैव परफॉर्म्ड अ बिग टास्क सो दे आर वर्शिप्ड। जैसे शिव बाबा है। जस्ट लाइक देयर इज शिव बाबा। शिवलिंग तो बहुत बड़ा बनाए देते। दे मेक द शिवलिंग वेरी बिग। वो भी तो वास्तव में देखो तो कोई देखने में आएगा किसको? एक्चुअली इफ यू लुक इन टू इट कैन एनी वन से हिम? है कि वो इतनी सूक्ष्म बुंदी कब ऐसे में आते हैं और कब चले जाते हैं? तुम देख ही नहीं सकेंगे। यू कांट इवन सी व्हेन दैट सटल पॉइंट एंटर्स हिम एंड व्हेन ही गोज अवे। और अगर देखेंगे भी तो भी बहुत छोटा। एंड इवन इफ यू सी हिम ही इज वेरी स्मॉल। तो भक्ति मार्ग में भक्ति छोटे की कैसे हो बे? सो हाउ विल अ स्मॉल पॉइंट बी वर्शिप्ड इन द पाथ ऑफ भक्ति? क्योंकि बच्चों को पहले पहले द्वापर के आदि में करनी है शिव बाबा की पूजा। इट इज बिकॉज द चिल्ड्रन वर्शिप शिव बाबा फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बिगनिंग ऑफ द कॉपर एज।
तो भी बिंदी। ऐसे शिव बाबा की पूजा कैसे हो? सो हाउ विल दे वर्शिप शिव बाबा एज अ पॉइंट? तो जरूर भक्ति मार्ग में बड़ा चाहिए, बड़ी चीज। तो देखो बड़ा बना के बोलते हैं ना। देन सर्टेनली दे नीड समथिंग बिग टू वर्शिप इन द पाथ ऑफ भक्ति। सो लुक दे मेक हिम बिग एंड वर्शिप हिम, डोंट दे? नहीं तो कहते हैं मुख से। अदरवाइज दे जस्ट से दैट थ्रू द माउथ। शालिग्राम भी बड़े बनाते हैं अंडे मिसल मिट्टी के। दे ऑल्सो मेक शालिग्राम्स आउट ऑफ सॉइल, दे मेक देम लाइक एग्स। बाकी हैं तो नहीं ऐसे मिट्टी के। एज पर द रेस्ट दे आरंट मेड ऑफ सॉइल इन रियलिटी। ये तो देह मिट्टी की बनी हुई है। इट इज द बॉडी दैट इज मेड ऑफ सॉइल। पांच तत्वों से मुख्य तत्व मिट्टी है। द मेन एलिमेंट अमंग द फाइव एलिमेंट्स इज सॉइल दैट इज अर्थ। बाकी ऐसे मिट्टी के तो नहीं है ना इतने बड़े। एज पर द रेस्ट दे आरंट सो बिग एंड मेड ऑफ सॉइल, आर दे? तो बाप यहाँ बैठ करके समझाते हैं कि बच्चे कि यहाँ जो दिखलाते हैं कि अंगूठी मिसल है, तो ये बात भी ठीक नहीं है। सो द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स हियर, चिल्ड्रन व्हाट दे शो हियर इज दैट द सोल इज लाइक अ थंब, दिस इजंट राइट ईदर। कहते हैं अंगूठी मिसल है, कभी कह देते हैं ब्रकुटी के बीच में सितारा। दे से दैट इट इज लाइक अ थंब एंड समटाइम्स दे से दैट द स्टार इज इन द ब्रकुटी। 25/11/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज, थर्ड पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 25/11/1968। तो देखो कोई एक बात के ऊपर कोई रह सकते हैं क्या? सो लुक कैन दे स्टे फर्म ऑन वन पॉइंट? नहीं रह सकते हैं क्योंकि आसुरी बुद्धि है। दे कांट, इट इज बिकॉज दे हैव अ डिमोनिक इंटेलेक्ट। और इस समय तो तुमको एक बात पर ठहरना है। एंड यू हैव टू स्टे फर्म ऑन वन पॉइंट एट दिस टाइम। उसमें भी बरोबर डिफिकल्टी तुम बच्चों को लगती है। यू चिल्ड्रन डेफिनेटली फेस डिफिकल्टी इन इट। जो आधा कल्प भला पूजा की है बड़ी चीज की, और अभी जो अपन को समझते हैं कि भाई सितारा है, बहुत अच्छा सितारा है। यू हैव वर्शिप द बिग फॉर्म फॉर हाफ द कल्प एंड नाउ यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ स्टार, अ वेरी नाइस स्टार। पर बेहद के बाप को भी इतना ही सितारा समझना, बिंदी बिंदी कहना। एंड टू कंसिडर द अनलिमिटेड फादर ऑल्सो टू बी सच अ स्टार, टू कॉल हिम अ पॉइंट। अभी कहने की तो बात नहीं रहती है ना मुख से। नाउ देर इज नो नीड टू से एनीथिंग थ्रू द माउथ, इज देर? ये तो याद करना है, समझ कर, ये समझने की बात है। यू हैव टू रिमेम्बर हिम आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग हिम, इट इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग हिम। बरोबर जैसी आत्मा है तैसे परमात्मा है। ट्रूली एज इज द सोल सो इज द सुप्रीम सोल। अभी न देखने में आती है, बाकी जानने में आती है। नाउ यू कांट सी हिम
यू कैन जस्ट नो हिम। जरूर किसी शरीर में आत्मा है या निकल कर करके निकलती है तो कोई देख ही नहीं सकते। सर्टेनली नो वन कैन सी अ सोल इन समवन्स बॉडी और सी इट लीविंग द बॉडी। बड़ी चीज हो बे तो बहुतों को देखने में आवे। हैड इट बीन समथिंग बिग मेनी वुड हैव सीन इट। तो ये बच्चों को मालूम है कि बरोबर बाप भी ऐसा है। सो द चिल्ड्रन नो दैट ट्रूली द फादर इज ऑल्सो द सेम। कब आता है कब चला जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। यू डोंट इवन कम टू नो व्हेन ही कम्स एंड व्हेन ही गोज अवे। और वो आकर के ज्ञान का सागर होने के कारण ही कम्स एंड बीइंग द ओशन ऑफ नॉलेज। अभी कोई भी ज्ञान का सागर तो इस दुनिया में नहीं है ना बच्ची। Now, no one in this world is the ocean of knowledge. Is he, daughter? क्योंकि कोई भी ये ज्ञान तो नहीं दे सकते हैं ना। It is because no one can give this knowledge, can they? कोई भी इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन वगैरह आवे तो वो कोई भी ज्ञान देते ही नहीं है। If anyone, someone belonging to Islam, a Buddhist, a Christian etc. may come, no one gives the knowledge at all. अभी भला वो किसने बनाया है? ये इतने सभी वेद शास्त्र। Who has made all these Vedas and scriptures? तो देखो कह देते हैं। भाई व्यास ने बनाया है। लुक दे से दैट व्यास हैज मेड देम। अच्छा भाई क्राइस्ट की आत्मा आई उसने बनाया है। अच्छा द सोल ऑफ क्राइस्ट केम ही मेड देम। अरे उसने कुछ भी बनाया नहीं। अरे ही मेड नथिंग। ये पीछे बैठ करके मनुष्यों ने बनाए हैं। द ह्यूमन बींग्स हैव मेड देम लेटर। क्योंकि वो तो फिर भी शास्त्र है ना। इट इज बिकॉज दे आर स्क्रिप्चर्स एनीवे aren't they? उन शास्त्रों में ज्ञान तो कुछ भी नहीं हो सकता है। द स्क्रिप्चर्स कांट हैव एनी नॉलेज एट ऑल। क्योंकि ज्ञान जो है वो तो होता ही है एक बेहद के बाप में। इट इज बिकॉज द वन अनलिमिटेड फादर हैज नॉलेज। ज्ञान का सागर दूसरा कोई भी ज्ञान का सागर होता ही नहीं। नो वन एल्स कैन बी द ओशन ऑफ नॉलेज एट ऑल। तो वो बाकी क्या लिखते हैं? जो भी पढ़ते हो पुराण वगैरह में। सो व्हाट एल्स डू दे राइट इन द पुराणास एंड सो ऑन दैट यू रीड। वो बस वो ही पिछाड़ी वाले कोई बनाए देते हैं। जो धर्म पिता के बाद आते हैं। Those who come after the religious father, they just prepare them afterwards. बाकी उनमें तो कोई ज्ञान की बात नहीं। As for the rest, they don't have any topics of knowledge. उन शास्त्रों में सदगति की तो कोई बात नहीं है ना बच्चे। नहीं। Children, there is nothing about true liberation in those scriptures, is there? No.
वो बहुत बहुत होगा। तो चलो भक्ति की याद करने की बात होगी। एट द मोस्ट देयर विल बी द टॉपिक्स ऑफ भक्ति टू रिमेम्बर। भाई अपने क्राइस्ट को याद करना है। ब्रदर यू हैव टू रिमेम्बर क्राइस्ट। जो यहाँ अभी याद करते रहते हैं। सो दे कीप रिमेम्बरिंग हिम हियर। बुद्ध धर्म वाला होगा तो बुद्ध को। इफ समवन इज अ बुद्धिस्ट ही विल रिमेम्बर बुद्धा। बुद्ध को याद करते रहते हैं। ही विल कीप रिमेम्बरिंग हिम। इस्लामी उनको याद करते रहते हैं। द पीपल ऑफ इस्लाम रिमेम्बर हिम दैट इज अब्राहम। तो गोया देहधारियों को याद करते हैं। सो इट इज एज इफ दे रिमेम्बर बॉडीली बींग्स। अब देखो देह को धारण करने वाले देहधारी का चित्र, देखो इस्लामी का, फिर क्राइस्ट का भी वो चित्र रखते हैं। Now, look at the picture of the bodily being who takes on a body. Look at the religious father of Islam. Then, they keep the picture of Christ as well. माँ का चित्र है। They keep the picture of his mother. उनका चित्र है, उनका चित्र है, कितने रचते हैं। The picture of this one, that one. They prepare so many pictures. और कितने रखते हैं? And they keep them. अच्छा, क्रॉस पर दिखाते हैं। अच्छा, he shown on cross. ये बड़ा चित्र है। It is a big picture. कोई तुमको ऐसा तो नहीं समझते हैं कि उनकी आत्मा They don't think for you, his soul. यानी होने की आत्मा से तो कोई दरकार ही नहीं। It means there is no need of his soul at all. वो तो ब्रदर्स हुए। They are certainly brothers. जो सभी आत्माएं हैं सभी ब्रदर्स। All the souls are brothers for each other. ब्रदर्स और ब्रदर्स में तो कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता है। जो ब्रदर्स से ब्रदर्स को ज्ञान देवे। ब्रदर्स कांट हैव नॉलेज एट ऑल सो दैट ब्रदर्स वुड गिव नॉलेज टू ईच अदर। एक दो की आपस में सदगति करें। दैट दे वुड ब्रिंग अबाउट ट्रू लिबरेशन टू वन अनदर। ऐसे ब्रदर ब्रदर को नहीं कर सकते। ब्रदर्स कांट डू दैट टू वन अनदर। हाँ, इस समय में पुरुषोत्तम संगम युग में जबकि ब्रदर्स हैं और वेद का बाप भी है, सच्चा बाप और सबका बाप, सारी विश्व का बाप। यस, एट दिस टाइम इन द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज दे आर ब्रदर्स फॉर ईच अदर एंड देर इज द अनलिमिटेड फादर एज वेल। The true father, and he is the father of everyone, the father of the entire world. तो देखो सारे विश्व की आत्माओं की सदगति देने के लिए आते हैं। So look, he comes to bring about the true liberation of the souls of the entire world. देखो इसलिए इनके लिए ही कहा जाता है विश्व का सदगति दाता। एक बाप। लुक दिस इज वाई इट इज सेट फॉर हिम अलोन द गिवर ऑफ ट्रू लिबरेशन टू द वर्ल्ड इज द वन फादर।
और यहां देखो अनेक गुरु बन गए हैं. एंड लुक देयर आर मेनी गुरुज हियर. जो टाइटल धराते रहते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु. दे कीप टेकिंग ऑन द टाइटल ऑफ श्री श्री 108 जगत गुरु. अब जगत को गुरु कहो, जगत का गुरु कहो या विश्व का कहो, बात तो एक ही हो सकती है ना. नाउ कॉल देम जगत गुरु, द गुरु ऑफ जगत और द गुरु ऑफ द वर्ल्ड, इट इज वन एंड द सेम, इजंट इट. देखो इसको कहा ही जाता है आसुरी बुद्धि. सो लुक इट इज कॉल्ड द डिमोनिक इंटेलेक्ट. कहा जाता है 100% आसुरी बुद्धि. इट इज कॉल्ड द 100% डिमोनिक इंटेलेक्ट. समझे ना. यू हैव अंडरस्टूड हैवंट यू. जो असुर जब ही आए तो रावण राज्य, अनेक सिर वाले रावण का राज्य, संगठित सिरों का राज्य. तो बुद्धि भी तो ऐसी विविचारी है ना. The kingdom of Ravan with many heads, the kingdom of collective heads started ever since the demons came. So, the intellect too is adulterous like this, isn't it? तो जब से ये आए हैं, ढेर के ढेर धर्म पिताएं देहधारी, तब से कोई ऐसे कर्म कहते नहीं जो दिन प्रतिदिन आकर के सुधार होता जाए. Ever since these numerous bodily religious fathers have come, no one performs such actions through which everyone would continue to transform day by day. क्योंकि अभी तो संगम युग है. इट इज बिकॉज नाउ इट इज द कॉन्फ्लुएंस एज. तो इस युग में तो बाप भी आते हैं. सो द फादर ऑल्सो कम्स इन दिस एज. अभी तो आवे तभी तो समझा दे. वेल ही विल एक्सप्लेन टू यू ओनली आफ्टर कमिंग. और सब समझ में आवे. And it is then that you will come to know everything. कि बरोबर ये पुरानी दुनिया खत्म होने की है. Truly, this old world is going to be destroyed. और नई दुनिया स्थापन हो रही है. And the new world is being established. तो ये तो बच्चों की बुद्धि में सब बात बैठती है. So, the entire concept sits in the intellect of the children. और हर बात के लिए बाप समझाते रहते हैं. And the father keeps explaining to you for everything. उसमें भी मुख्य बात क्या समझाते हैं. Even in that, what is the main point that he explains? वो तुम जानते हो कि बरोबर वो पतित पावन एक है. यू नो दैट डेफिनेटली देयर इज वन प्यूरिफायर ऑफ द सिनफुल. और कोई भी देहधारी पतित पावन हो ही नहीं सकते. नो अदर बॉडीली बींग कैन बी द प्यूरिफायर ऑफ द सिनफुल एट ऑल. जबकि उनको ही पतित पावन कहा जाता है. He alone is called the purifier of the sinful. तो जब पतित पावन सीताराम कहते हैं तो
कभी भी कोई देहधारी का वो आसरा नहीं लेते हैं जिनकी बुद्धि देह में धरी हुई हो। When they say Sita Ram, the purifier of the sinful, they never take the support of any bodily being, the one whose intellect is engaged in the body. समझे ना? You did understand, didn't you? अभी ये जानते हैं। Now you know it. जैसे आत्मा को जानते हैं तैसे सिर्फ जानते हैं कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ही है, समझे ना? जस्ट लाइक यू नो द सोल, सिमिलरली यू नो दैट ओनली द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इज द प्यूरिफायर ऑफ द सिनफुल। यू डिड अंडरस्टैंड, डिडंट यू? अगर सीताराम कहें, इफ यू से सीताराम, तो बाबा ने समझाया है ये भक्ति का फल भगवान देने आता है ना बच्चे। बाबा हैज एक्सप्लेन्ड, गॉड कम्स एंड गिव्स यू द फ्रूट ऑफ भक्ति, डजंट ही चिल्ड्रन? तो सभी सीताएं ठहरी और एक है राम। सो एवरीवन इज सीता एंड देयर इज वन राम। और सभी ठहरी हैं ब्राइड्स एंड ऑल द अदर्स आर ब्राइड्स। एक ठहरा ब्राइडग्रूम जो सबको सदगति देने वाला है। देयर इज वन ब्राइडग्रूम हु गिव्स ट्रू लिबरेशन टू एवरीवन। तो ये बात बाप बैठ करके समझाते हैं। The father sits and explains that. तभी तुम बच्चों ने जाना है कि ये ड्रामा है ना। Now you children have come to know that this is a drama, isn't it? ये सब ड्रामा में जो बातें तुम सुनते हो ड्रामा के प्लेन अनुसार। All that you listen to it in this drama is according to the drama plan. तुम फिर ये बातें जो अभी सुनते हो सो फिर 5000 वर्ष के बाद फिर सुनेंगे। Whatever you hear now, you will hear that again after 5000 years. 25/11/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। Fourth page of the morning class dated 25/11/1968. क्योंकि बाप ही तो ड्रामा का राज समझाते हैं ना। It is because the father himself explains the secret of the drama, doesn't he? तो अभी जो तुम पढ़ते हो, So what you study now? भले उन स्कूलों में बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत इम्तिहान देते हैं, तो बाप क्या समझाते हैं? Although many children study in those schools, they take many examinations. What does the father explain? ये ड्रामा चलता रहता है ना। This drama keeps going on, doesn't it? अभी देखो जिस समय में जो बात पढ़ते हैं ये आत्मा जो पढ़ती है बैरिस्टर बनती है मंत्री बनती है या जो भी एक्टिविटी उनकी जिस समय में हो चलती है फिर वो एक्टिविटी एक्यूरेट 5000 वर्ष के बाद चलेगी। नाउ लुक, व्हाटएवर यू स्टडी एट व्हिचएवर टाइम दिस सोल दैट स्टडीज वेदर ही बिकम्स अ बैरिस्टर अ मिनिस्टर और व्हाटएवर एक्टिविटी ही परफॉर्म्स एट व्हिचएवर टाइम He will perform that activity accurately again after 5000 years. ऐसे ही चलेगी क्योंकि जो जो भी टाइम पास होते जाते रहते हैं बहुत पढ़ते आते हैं ना बच्चे बहुत। He will perform it the same way. It is because As the time passes,
द चिल्ड्रन स्टडी अ लॉट डोंट दे? तो देखो, वो जो भी पढ़ते हैं और जो मास्टर पढ़ाते हैं वो सब वो फिर 5 4 वर्ष के बाद रिपीट होगा। सो लुक, वॉट एवर द स्टडी एंड वॉट एवर द टीचर टीचेस देम, ऑल दैट विल रिपीट अगेन एग्जैक्टली द सेम वे आफ्टर 5,000 ईयर्स. क्योंकि ये जो एक्ट है पढ़ने की पढ़ाने की, ये सब ड्रामा हो गया ना बच्ची। इट इज बिकॉज दिस एक्ट ऑफ स्टडिंग टीचिंग ऑल दिस इज अ ड्रामा, इज इंट इट डॉटर? तो ड्रामा तो जो भी देखेंगे तो उस ड्रामा में सेकंड बाई सेकंड नई चीज देखने में आएगी। सो वॉट एवर यू सी इन द ड्रामा, यू विल सी समथिंग न्यू इन इट एवरी सेकेंड. भले ये बायोस्कोप 2 घंटा चलता है, ऑल्दो दिस बायोस्कोप गोज ऑन फॉर 2 आवर्स. तो तुम ये समझते हो ना, जो भी देखेंगे वो 2 दफा नहीं दे सकेंगे। You know that whatever you watch, you can't watch it twice. कोई देखते नहीं है No one watches it. तो ये तो फिरता ही जाएंगे So it will keep playing. और नई नई बात देखते रहेंगे। And you will keep watching something new. तो देखो, ये सारी सृष्टि सेकंड बाई सेकंड फिरती जाती है। सो लुक, दिस एंटायर वर्ल्ड कीप्स रोटेटिंग सेकेंड बाई सेकेंड. देखो, बरस मास कहां से शुरू हुई है सृष्टि और यहां तक के आकर के पहुंची है। लुक, विच ईयर विच मंथ दिस वर्ल्ड बिगैन एंड इट हैज रीच्ड हियर. तो ये अभी मालूम पड़ा ना बच्चों को। सो द चिल्ड्रन हैव कम टू नो दिस नाउ, हैवंट दे? कि 5,000 वर्ष से ये नाटक चल रहा है। दिस ड्रामा इज गोइंग ऑन फॉर 5,000 ईयर्स. और बाप बेहद का आते ही तब हैं जब ये राज समझाने हैं, जबकि नाटक पूरा होने का होता है और नया फिर से शुरू होता है। एंड द अनलिमिटेड फादर कम्स ओनली वेन ही हैज टू एक्सप्लेन दिस सीक्रेट, वेन द ड्रामा इज अबाउट टू एंड एंड द न्यू वन इज अबाउट टू स्टार्ट अगेन. ठीक है ना? इट इज ऑल राइट, इज इंट इट? तो बाप आकर के सारा युक्ति से अभी, क्योंकि डिटेल तो बहुत है ना बच्ची। सो द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स टू यू एवरीथिंग टैक्टफुली नाउ. इट इज बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ डिटेल्स, आरंट देयर डॉटर? तो इतना डिटेल तो नहीं समझाए सकेंगे ना। सो ही वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन सो मच डिटेल, विल ही? नहीं, नो. जिन्हें में महान बड़ा अंतर है बच्चों का, देर इज अ ग्रेट अ लॉट ऑफ डिफरेंस अमंग द चिल्ड्रन. जैसे भाई परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी है। फॉर एग्जाम्पल दे से द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इज ओमनी प्रेजेंट. तो देखो, बाप आकर समझाते हैं। सो लुक, द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स, नहीं बच्चों, चिल्ड्रन नो, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, आई एम नॉट ओमनी प्रेजेंट. मेरे लिए तो गाते हैं, पतित पावन आते हैं, आए कर करके अपना परिचय देते हैं। इट इज सेट फॉर मी द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल कम्स, ही कम्स एंड गिव्स हिज इंट्रोडक्शन. और ये रचना के आदि मध्य अंत का परिचय समझाते हैं।
एंड ही एक्सप्लेन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिगिनिंग द मिडिल एंड द एंड ऑफ द क्रिएशन जो अभी भी समझाते रहते हैं. ही कीप्स एक्सप्लेनिंग दैट इवन नाउ. तुम बच्चे समझाते हैं कि कल्प कल्प बाप आएगा जरूर. यू चिल्ड्रन एक्सप्लेन दैट द फादर विल डेफिनेटली कम आफ्टर एवरी कल्पा. क्यों आते हैं बाबा? व्हाई डज बाबा कम? हमको वर्षा देने के लिए आते हैं. ही कम्स टू गिव अस द इनहेरिटेंस. पीछे तो फिर बहुत ही आएंगे ना. मेनी विल कम लेटर वोंट दे. कोई सिर्फ तुम थोड़े ही हो इस दुनिया में. इट इजंट जस्ट यू इन दिस वर्ल्ड. आते हैं. ही कम्स. क्या आने के लिए? फॉर वॉट? वो आजकल ये तो गायन है बिल्कुल अच्छी तरह से कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं. Nowadays they say this a lot. The Supreme Father, Supreme Soul does the establishment through Brahma. तो वो देखते हो ना? So you see that, don't you? बरोबर ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा. Truly he does that through Brahma, through the Brahmins. क्योंकि बहुत इसमें समझानी अच्छी है. It is because the explanation is very nice. क्योंकि विराट रूप भी तो बनाते हैं ना. They do make the universal form, don't they? और उनका भी तो अर्थ होगा ना. And it will certainly have a meaning, won't it? Om Shanti. Om Shanti.